हेलो क्लास, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। सो किड्स, लास्ट क्लास में अभी हमने क्या देखा? लास्ट क्लास में हमने देखा अबाउट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। हमने अपना टॉपिक शुरू किया था वर्ड्स ऑफ कंप्यूटर या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से हमने अपना टॉपिक शुरू किया था, राइट? तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम आज थोड़ा आगे पढ़ेंगे। देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने पढ़ा, ठीक है? फिर हम आगे बढ़े, व्हाट इज कंप्यूटर, इस पे हम आए। देन डेटा, इंफॉर्मेशन। अच्छा, इफ़ यू रिमेम्बर, डेटा एंड कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया था क्लास थ्री की बुक से। क्लास थ्री की बुक से मैम ने आपको बताया था डेटा एंड कंप्यूटर, राइट? सो क्लास, लेट मी ओपन क्लास थ्री बुक, क्योंकि आगे का जो अगला टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, वो भी क्लास थ्री की बुक में बहुत ही ब्यूटीफुली दिया है, ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट और उसके बाद वापस से हम इस स्लाइड पे आएंगे, ओके? तो चलो देखते हैं, क्लास थ्री की बुक इज देयर ऑन माय डेस्कटॉप और नॉट? वेल यस, इट इज हियर। सो लेट मी ओपन इट एंड या सो दिस इज माय बुक। ओके, सो देखो व्हाई आई एम रेफरिंग टू क्लास थ्री बुक, क्योंकि इस बुक में हम बेसिक से सीख सकते हैं और हमारा टॉपिक भी क्या है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। अभी हम फिलहाल कुछ क्लासेस में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे। इसके पीछे देखो दो रीज़न है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर करने के पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला और बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों को कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये। एंड द अदर थिंग इज, जो अगली चीज़ है, क्यों बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना ज़रूरी है, वो इसलिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना इसलिए भी बच्चों के लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे क्या कर सकते हैं, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने क्या नहीं किए हैं, अपनी अपनी बुक्स नहीं खरीदी है। तो क्योंकि बच्चों ने अभी अपनी बुक्स नहीं खरीदी है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आपको पहले बेसिक्स बता दें, क्योंकि और जब चैप्टर वी विल स्टार्ट द चैप्टर वंस यू ऑल विल गेट योर बुक, फाइन? सो परचेज योर बुक एज सून एज पॉसिबल एंड टिल दैट टाइम वी विल बी डूइंग दीज स्मॉल टॉपिक्स नाउ। So the topic for the day is characteristics of computer. Now, a computer is what? देखो मैं क्लास थ्री की बुक से ले रही हूँ क्योंकि देखो सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझाना आसान होता है, सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझाना आसान होगा, ठीक है? तो अभी देखो टॉपिक क्या है, characteristics of computer. Now, a computer is what? A computer is a पावरफुल एंड यूजफुल मशीन विच हैज वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर इज वॉट? इट्स अ पावरफुल एंड अ यूजफुल मशीन। कंप्यूटर इज अ पावरफुल एंड अ यूजफुल मशीन एंड इट हैज अ वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। इट हैज अ वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर हैज अ वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड, फाइन? कंप्यूटर इज यूज इन मेनी डिफरेंट फील्ड। कंप्यूटर वॉट इट डज? इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड। लगभग सारे फील्ड्स में क्या होता है, कंप्यूटर का क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, राइट? कंप्यूटर इज अ पावरफुल एंड यूजफुल मशीन विच हैज अ वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर इज यूज इन मेनी डिफरेंट फील्ड बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक इट पोजेस। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो पहले कैरेक्टरिस्टिक देखें। अभी देखो जो अभी हम स्लाइड्स भी पढ़ेंगे बट पहले हम इस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं। नाउ द थिंग इज स्पीड। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। फर्स्ट थिंग इज व्हाट? दैट अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट इज व्हाट? Reliability and accuracy. A computer work very fast. Computer is reliable. देखो पहली बात क्या कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज है। कंप्यूटर की काम करने की स्पीड जो है वो बहुत तेज है। कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है? A computer is very reliable. It does not make any mistake. कंप्यूटर क्या नहीं करता? कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करता, ठीक है? कंप्यूटर में क्या पॉसिबल नहीं है? मिस्टेक्स। इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। नाउ नेक्स्ट इज वर्सेटिलिटी। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली। कंप्यूटर व्हाट इट कैन डज? इट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली। कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क एफिशिएंटली।
नेक्स्ट इज स्टोरेज. अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर योर फ्यूचर यूज. व्हाट हैपेंड कंप्यूटर इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर योर फ्यूचर यूज. फॉर योर फ्यूचर यूज कंप्यूटर स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. तो अभी हमने कितनी देखी, अभी हमने देखा स्पीड, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी. अब देखो वर्सेटिलिटी मीन्स वॉट. अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क एफिशियंटली. कंप्यूटर क्या कर सकता है, वेराइटी ऑफ टास्क वो एफिशियंटली कर सकता है. नाउ स्टोरेज, अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर योर फ्यूचर यूज. कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर योर फ्यूचर यूज. नेक्स्ट इज मल्टी टास्किंग. कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम. कंप्यूटर कैन डू मेनी, देखो कंप्यूटर मल्टी टास्किंग है. हाउ कम इट इज मल्टी टास्किंग? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी का एग्जाम्पल लो. अभी वॉट इज हैपनिंग, मैम इज टेकिंग द ऑनलाइन क्लास. मैम वीडियो बना रहे हैं, तो जब मैम वीडियो बना रहे हैं तो वेल मेकिंग द वीडियो माई कंप्यूटर इज एबल टू रिकॉर्ड द स्क्रीन ऑल्सो, रिकॉर्ड माई वॉइस ऑल्सो. और अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो बनाते बनाते मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन डू द कैलकुलेशन ऑल्सो. सो सी दीज ऑल थिंग्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट कंप्यूटर इज वॉट. कंप्यूटर इज मल्टी टास्किंग. ठीक है. Now, next is diligence. Computer can work for a long time without getting tired. Computer, what it can do? Computer can work for a long time without getting tired. Without getting tired, it can work for the long time. Now, next is, let us move toward our slide now. ठीक है, slide पे वापस चलते हैं. So, this is characteristic of computer. Okay, let me connect to the different network as internet is not coming. Chalo. Now, characteristics of computer. So nowadays what is happening, nowadays computer is playing a main role in everyday's life. Okay, computer is playing a main role in everyday's life. It has become the need of the people just like the television. It has become the need of the people and it is just like the television. Just like the television, it has become the need of the people. Okay. Telephone or other electronic devices. It solves the human problem very quickly as well as accurately. So what happened? It solves the human problem very quickly and accurately. Computer solves the human problem very quickly and it solves the problem efficiently also. The important characteristics of computer are described as follows. So computer ki jo important characteristics hain, they are described below. Pehla, the characteristics of computer. First one is speed. The computer is a very high speed electronic device. Computer is what? It's a very high speed electronic device. The operation on the data inside the computer are performed through the electronic circuit. It is performed electronic circuit to the given instruction. देखो computer की speed बहुत ज़्यादा होती है. In comparison to human, computer की क्या होती है, speed जो होती है वो बहुत तेज होती है. ठीक है, it can perform millions and billions of operation. It can perform millions and billions of operation in a second. ठीक है. Now, next is okay. Moving toward the next point, characteristics of computer में अगला point जो है that is spontaneous. Spontaneous or we can say automatic. So the computer are automatic. It may execute the process without any intervention of user once they are assigned to work. Once they are assigned to work, computer क्या करता है, अगर एक बार work assign कर दिया जाए तो computer without any human intervention.
तो कंप्यूटर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर लेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मुझे बार बार क्या नहीं करना पड़ रहा, मुझे बार बार ऑडियो रिकॉर्डिंग या साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ी. मैंने एक बार अपने कंप्यूटर को असाइन कर दिया दैट इट हैज़ टू रिकॉर्ड माई स्क्रीन. देखो अब एक बार मैंने उसको बोल दिया मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, तो वो 10 मिनट्स तक के लिए मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड करता ही रहेगा. मतलब मुझे बार बार उसमें बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज स्टोरेज. स्टोरेज इज वॉट अ कंप्यूटर हैज़ इंटरनल स्टोरेज. ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वक्त तक याद नहीं रख सकते. ह्यूमन के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि वो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वक्त तक क्या नहीं कर सकते, याद नहीं, दिमाग में रख नहीं सकते. बहुत ज़्यादा टाइम तक वो कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं रख सकते. बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है. कंप्यूटर व्हाट इट कैन डू, व्हाट एवर द वर्क यू डू, कंप्यूटर क्या करता है उसे सेव करके रखता है. कंप्यूटर उस वर्क को सेव करके रखता है अपनी स्क्रीन पे. कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पे उस वर्क को क्या करता है, सेव करके रखता है. ठीक है, द कंप्यूटर आर ऑटोमेटिक. कंप्यूटर हैज इंटरनल स्टोरेज एज वेल एज द एक्सटर्नल. अब देखो एक्सटर्नल स्टोरेज पे हमने बात की थी. एक्सटर्नल स्टोरेज पे हमने किसकी बात की थी, एक्सटर्नल स्टोरेज पे हमने बात की थी व्हाट वी कॉल दैट, एक्सटर्नल स्टोरेज पे हमने बात की थी पेन ड्राइव की. ठीक है, कि पेन ड्राइव क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं. नाउ द स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एनी टाइम फॉर प्रोसेसिंग. सिमिलरली इंफॉर्मेशन डाउनलोडेड फ्रॉम इंटरनेट कैन बी सेव्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया. इंफॉर्मेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट कैन बी सेव्ड ऑन द स्टोरेज मीडिया. ठीक है, चलो लेट अस मूव अहेड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नो फीलिंग्स. सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट हैज नो फीलिंग. इट डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट हैज नो फीलिंग. इट हैज नो फीलिंग. इट डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. ठीक है, इट डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट. इट डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. बेस्ड ऑन अवर फीलिंग, टेस्ट एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी कैन मेक सर्टेन डिसीजन एंड जजमेंट इन अवर डेली लाइफ. वॉट वी कैन डू, बेस्ड ऑन अवर फीलिंग. देखो होता क्या है, ह्यूमन क्या कर सकते हैं, ह्यूमन कैन बी बायस. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ह्यूमन बींग जो होते हैं दे कैन बी बायस्ड, वो बायस्ड हो सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर बायस नहीं हो सकता, वो भेदभाव नहीं कर सकता. तो जब कंप्यूटर भेदभाव नहीं कर सकता, कंप्यूटर बायस नहीं हो सकता, तो इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती. और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ह्यूमन और कंप्यूटर में. ह्यूमन एंड कंप्यूटर में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है. ठीक है, एंड वो क्या करता है, इट डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. What it does, it detect the object on the basis of instruction given to it. ठीक है, this much is clear. Okay. Consistency. ठीक है, consistency. People often have difficulty to repeat their action. People often have difficulty to repeat their action instructions again and again. For example, a lecturer feel difficulty to repeat a same lecture in a classroom again and again. एक lecturer जो होता है वो क्या होता है, people often have difficulty to repeat their instruction. ठीक है, again and again. For example, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ लेक्चरर फील डिफिकल्टी टू रिपीट अ सेम लेक्चर इन अ क्लासरूम. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये आप वीडियो देखते हो, तो आप वॉट यू कैन डू, यू कैन प्ले इट मल्टीपल टाइम. यू कैन प्ले दिस वीडियो एज मेनी टाइम एज यू वॉन्ट. जितनी बार चाहो उतनी बार आप क्या कर सकते हो, ये वीडियो आप रिपीट करके एक्शन में
प्ले कर सकते हो, ठीक है, यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन एंड अगेन विदाउट लूजिंग द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बिना लूज किए आप अगेन एंड अगेन ये वीडियो क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग अहेड, बट कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर इज कंसिस्टेंट इन इट्स एफर्ट, ठीक है। कम्युनिकेशन, टुडे कंप्यूटर इज मोस्ट यूज्ड टू एक्सचेंज मैसेजेस, वेदर इट इज व्हाट्सएप, वेदर इट इज फेसबुक, ठीक है। सो कंप्यूटर किस में हेल्प करता है, टुडे कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड टू एक्सचेंज द मैसेजेस और डेटा थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंप्यूटर इज यूज टू एक्सचेंज द मैसेजेस और डेटा। फॉर एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड और सेंड थ्रू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो द इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव, आप जैसे मेल्स की बात कर लो, आपको अपनी टेस्ट कॉपी चेक करानी होती, वॉट यू हैव डन, आपने क्या किया, आपने मेल कर दिया, ठीक है। तो अब मेल कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही आपने मेल किया, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आपने क्या किया, आपने मेल कर दिया, ठीक है। ओके, सो द टुडे कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड टू एक्सचेंज मैसेजेस और डेटा थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल द इंफॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड और सेंड थ्रू द इंटरनेट with the help of computer, with the help of computer it can be done. It is the most important feature of the modern information technology. It is what? It is the most important feature of the modern information technology. Now the next is diligence. अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यूअली वर्क फॉर आवर्स वर्किंग विदाउट एनी एरर। अब जैसे हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्या होते हैं, हम थक जाते हैं थोड़ी देर काम करने के बाद, थोड़ी देर या कुछ एक वर्क बर्डन के बाद क्या होता है, हम थक जाते हैं। बट ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता, जैसे मैं आज कंप्यूटर पे सुबह से क्लास ले रही हूँ, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं हुआ कि कंप्यूटर थक गया या अचानक से कंप्यूटर चलना बंद हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि कंप्यूटर चलना बंद हो गया या कंप्यूटर थक गया। ओके, नाउ डिलीजेंस, अ कंप्यूटर कैन कंटिन्यूअली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर, इट डज नॉट गेट टायर्ड व्हाइल वर्किंग आफ्टर आवर ऑफ आवर्स, ठीक है। कई घंटे काम करने के बाद भी कंप्यूटर क्या होता, थकता नहीं है, विद द सेम एक्यूरेसी एज वेल एज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट वन, जैसे पहले काम करते कंप्यूटर कीप ऑन वर्किंग लाइक द सेम। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने देखा कम्युनिकेशन कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ना उसके बाद हमने क्या देखा कि कंप्यूटर जरूरी है, डिलीजेंस, डिलीजेंस मतलब कंप्यूटर क्या है, डिलीजेंस है, डिलीजेंस मतलब ये घंटों काम कर सकता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। ना अब ये आपने क्लास फिफ्थ में पढ़ा होगा, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, राइट, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर आपने बहुत ही अच्छे से पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। चलो एक बार देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को भी, हम एक बार देख लेते हैं। तो लेट अस ओपन क्लास 5 बुक, ओके, लेट अस ओपन क्लास 5 पीडीएफ, ओके। आई हैव क्लोज दिस वन एंड आई एम गोइंग टू ओपन द क्लास 5 कंप्यूटर, ठीक है। तो आई विल सर्च इट हियर, द नेम ऑफ द बुक इज बिट्स एंड बाइट्स, क्लास 5, 6, 7, 4, वेयर इज क्लास 5, क्लास बुक 6 इज हियर, 8 इज हियर, 7 इज हियर, या हियर। नाउ सी,
जब क्लास फाइव में हम देखते हैं तो क्लास फाइव में जो पहला ही चैप्टर है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, सेम रीज़न, क्योंकि जिस तरह से हमें क्या होगा, हमें आसानी होगी जब हम डिफ़िकल्ट चीज़ को एक इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वो हमें जल्दी समझ में आती है। एक डिफ़िकल्ट चीज़ को जब हम इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वो हमें जल्दी समझ में आती है। नाउ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन, सो जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान देना है दैट जनरेशन मीन्स वॉट, जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट। जो बच्चे क्लास फिफ्थ के हैं वो बच्चे इस बुक को का जो बच्चे क्लास सिक्स में इस साल गए हैं वो बच्चे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट, फाइन। जैसे कि फ़ोन की, टेलीफोन, फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन्स की क्या होती हैं, जनरेशन्स होती हैं। मोबाइल फ़ोन्स की क्या होती हैं, जनरेशन्स होती हैं। अब मोबाइल फ़ोन की जनरेशन से हमारा क्या मतलब है, मोबाइल फ़ोन की जनरेशन से हमारा ये मतलब है कि मोबाइल फ़ोन जैसे सबसे पहले एक सिंपल फ़ोन था, बाद में मल्टीमीडिया फ़ोन आया, उसके बाद उससे ज़्यादा इम्प्रूव किया। तो इसी तरह कंप्यूटर की भी क्या होती है, जनरेशन होती है। अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑल्सो हैज़ इट्स डिफरेंट जनरेशन लाइक। अब देखो सबसे पहले यूनिवैक, ठीक है, सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि एक रूम से बड़ा भर का एक कंप्यूटर, ठीक है, तो यूनिवैक। उसके बाद क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर, देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, फाइन। उसके बाद क्या आया, डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसके बाद ऑल इन वन कंप्यूटर, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन एंड इंटेल कंप्यूट स्टिक। उसके बाद क्या आई, इंटेल कंप्यूट स्टिक, ठीक है। तो क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले आई यूनिवैक, सबसे पहले आया यूनिवैक, ये कंप्यूटर जो था आपको पता है ये कंप्यूटर एक रूम के इतना बड़ा था। उसके बाद आया पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। नाउ आफ्टर द पर्सनल कंप्यूटर नेक्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, अदर वन इज इंटेल कंप्यूट स्टिक, स्मार्टफोन, टैबलेट पीसी, नोटबुक एंड ऑल इन वन कंप्यूटर, ठीक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, उसके बाद ऑल इन वन, फिर देन नोटबुक एंड आफ्टर नोटबुक टैबलेट पीसी और उसके बाद फिर स्मार्टफोन और अभी तो इंटेल कंप्यूटर स्टिक, एक छोटी सी स्टिक आ गई है। ओके नाउ इतनी चीजें सभी को क्लियर हुई। ओके नाउ तो अभी जब हम जनरेशन्स को देख रहे थे तो हमें पता चला जनरेशन क्या है। जनरेशन मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट। जनरेशन इज वॉट, इट्स द रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोडक्ट। रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट किस चीज़ में, किसी भी प्रोडक्ट में रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। सो वी कैन से दैट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस इन फाइव डिस्टिंक्ट फेजेस कॉल्ड द कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन कितने फेजेस में हुआ, फाइव जनरेशन कंप्यूटर की आई, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट चल रही है दैट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फाइन, चलो। सो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946 एंड किस ईयर तक आया, में आया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ओके नाउ चलो मूविंग बैक टू अवर स्लाइड। सो द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, द टॉपिक इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। The term generation indicate the type of technology used in the computer construction. The type of technology used in the computer construction. As new technology was emerging, it was being used in the making of computer. The new technology improved the speed, accuracy and storage capacity of the computer.
the new technology, what it does, it was being used in the making of computer. The new technology improves the speed. What it improves the speed, accuracy and storage capacity of the computer. जैसे जैसे एक टेक्नोलॉजी के बाद एक टेक्नोलॉजी के बाद दूसरी आती है, वो क्या करती है, वो एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट करती जाती है. ओके, नाउ द फर्स्ट इज, देयरफॉर द कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव जनरेशन. कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जनरेशन? कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइव जनरेशन. कंप्यूटर को हम कितने जनरेशन में डिवाइड कर सकते हैं? वी कैन डिवाइड इट इन द फाइव जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन, सी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन एंड द फिफ्थ जनरेशन. फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है? फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं? फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड टू द फर्स्ट जनरेशन. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एक पिक्चर है. आप देख पा रहे हो कि ये कंप्यूटर अपने आप में कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, और कितने सारे छोटे 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 वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना. और आज के टाइम में जो हमारा कंप्यूटर होता है वो शायद ये जो इंसान यहाँ पे पकड़ा इससे भी छोटा होता है. तो दिस इज व्हाट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सीधा साइज, कितनी बड़ी साइज है, एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती है इसमें. नाउ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ? वैक्यूम ट्यूब. सेकेंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था? ट्रांजिस्टर. थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. चलो ठीक है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो वहां पर क्या यूज हुए? छोटे छोटे वैक्यूम ट्यूब्स, उसमें भारी मात्रा में छोटे छोटे वैक्यूम ट्यूब्स उन कंप्यूटर्स में क्या हुए थे? यूज हुए थे, ठीक है. मशीन बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. द मशीन लैंग्वेज ओनली वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. मशीन लैंग्वेज वॉज ओनली यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है. मशीन लैंग्वेज किस में यूज हुई? खाली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुई. ओके, नाउ एडवांटेजेस क्या थे? दीज कंप्यूटर वर द फास्टेस्ट ऑफ देयर टाइम. दीज कंप्यूटर्स वर व्हाट? दीज कंप्यूटर वर द फास्टेस्ट ऑफ देयर टाइम. दे वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज ओनली. दे वर प्रोग्राम फॉर व्हाट? यूजिंग द मशीन लैंग्वेज. तो ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे. तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आज हमने इतना पढ़ा, ठीक है. अभी आने वाले क्लास में, अवर कमिंग फ्यू क्लासेस, वी विल मूव अहेड, ठीक है. अभी फर्स्ट जनरेशन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को वी वोंट गिव द मच टाइम, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं. अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो कंप्यूटर थे ये मशीन लैंग्वेज पे ही कंप्लीटली चलते थे. ये जो कंप्यूटर थे ये किस पे चलते थे? दे वर्क solely on the machine language, nothing else but on machine language. Okay. So class, this is it for today. And now ma'am will meet you in the next class. Ma'am, aapse agli class mein milenge. Okay. Till then, take care.